राज्य के पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने किसान मुआवजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथी लिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में केंद्र सरकार दूजा भाव कर रही है। दीपावली में किसानों को मुआवजा मिले, इसके लिए विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही थी कि उनका महाविकास अघाड़ी सरकार पर आरोप था कि उन्होंने किसानों की दीपावली अंधेरे में कर दी है। मगर राज्य के पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ित किसानों के 200 करोड़ के मुआवजे की राशि दीपावली के पहले ही सभी जिलाधिकारी को भेज दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे वक्तव्य कर किसानों में गलतफहमी निर्माण कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी दूजा भाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को मदद नहीं कर रही है। 3 बार निवेदन देने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अघाड़ी सरकार पर आरोप लगाने में व्यस्त है। राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र में सबसे खराब संकट के दौरान राज्य के साथ भेदभाव के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। क्या महाराष्ट्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया? राज्य में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए। राज्य में भी जनता ने अपने 105 विधायक चुने हैं। हालांकि किसानों को नष्ट करने की नीति को आगे बढ़ाने के लिए विजय वडेट्टीवार ने भाजपा की आलोचना की। ये जो बहुत यानी मराठवाड़ा लेकर से पश्चिम महाराष्ट्र तक जो हेवी रेनफॉल हुआ था, बहुत बारिश हुई थी, उस बारिश में 41 लाख हेक्टर जमीन का किसान का खेती का नुकसान हुआ है और इसके लिए हमने बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा, होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा कि इसके लिए आप सेंट्रल का एक टीम भेजकर यह इस परिस्थिति को देखें और इस जो अभी इतना बड़ा नुकसान हुआ है किसान का तो उसके बारे में जायजा लेकर मदद करें। हमने 3 लेटर भेजे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका जवाब नहीं आया, ना सेंट्रल की टीम आई। अभी तक 1 रुपये की मदद सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको की नहीं, 1 रुपये का हेल्प किया। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की यह भूमिका जो है केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भूमिका, ये महाराष्ट्र के किसान के प्रति मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इनकी भूमिका किसान के विरोधी है। महाराष्ट्र की सरकार का विरोध करो पर महाराष्ट्र के किसान का विरोध मत करो, ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। किसान सबका होता है, उस किसान ने सबको वोट दिया है, केवल सरकार दूसरी है करके मदद नहीं करना और किसान के ऊपर अन्याय करना, ये भाजपा को महंगा पड़ेगा। ये बार बार उनकी काम करने की स्टाइल से दिखता है। अब इसके बारे में हमने जो निसर्ग साइक्लोन आया था उसके बारे में भी हमने 1000 करोड़ का मुआवजा मांगा था, उसकी मदद मांगी थी, हेल्प मांगा था, उसमें केवल 268 करोड़ उन्होंने दिया, 268 करोड़ रुपये दिया। अभी पश्चिम अपने पूर्व विदर्भ में जो महापुर आया था, फ्लड आया था, उसमें 1 रुपये की मदद नहीं की। अब इसमें केंद्र सरकार यह तय कर चुका है कि महाराष्ट्र की सरकार विरोधी है तो इनको मदद नहीं करना। अब पश्चिम बंगाल को इलेक्शन है तो उसने बहुत बड़ी मदद दे दी। कर्नाटका में हमारे साथ ही कर्नाटका में भी थोड़ा नुकसान हुआ था, उनको उठाकर 550 करोड़ रुपये दे दिया। और हमारे लिए क्यों ऐसा? कम से कम हमारी सरकार को मत देखो, वो रो रहा है, किसान को मदद होनी चाहिए। वो NDRF के निकष में, जो NDRF के गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस में जो बैठते हैं वही किसान को मदद हम मांगे। और NDRF के लिए बजट में प्रावधान होता है, जब कोई भी स्टेट में डिजास्टर आता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है, मदद करती है, उसी के तहत हमने मदद मांगी है। हमने कोई गलत उनसे मदद या हेल्प नहीं मांगी है। फिर भी जो मदद देनी है वो देने के लिए हमारे खुद के पैसे 38,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट GST तो दे ही नहीं रहा है, पर ऐसे संकट के समय, ऐसे परिस्थिति में भी सेंट्रल गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही है। तो हम किसान को यही बताना चाहते हैं कि आपने उनको MP के लिए वोट डाला है, कोई हमको ही वोट नहीं मिला। हमारी जिम्मेदारी है, हम तो राज्य सरकार करके जो जिम्मेदारी निभाना है, इस परिस्थिति में भी किसान के पीछे हम लोग खड़े हैं।
और केंद्र सरकार की भी मदद थोड़ी मिल जाती तो किसान के लिए और मदद हो सकती है, किसान को अच्छा मुआवजा दिया जा सकता है, यह हमने केंद्र सरकार को लिखा है। बिजली मंत्री नितिन राउत ने आम आदमी को यह कहते हुए झटका दिया कि तालाबंदी के दौरान बिजली के बिल माफ नहीं किए जाएंगे, जिससे राज्य भर में भारी नुकसान हो रहा है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्य के राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने एक नए बयान के साथ भ्रम को छोड़ा है। ऊर्जा विभाग के निर्णय पर कैबिनेट में चर्चा होगी। अगर लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, वडेट्टीवार ने कहा। इसलिए अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार लोगों के कोप से बचने के लिए बिजली के बिल को कम करने का फैसला करेगी। विजय वडेट्टीवार ने बुधवार को नागपुर में मीडिया से बात की। इस बार उन्होंने निर्णय पर पुनर्विचार करने का संकेत दिया, यह कहते हुए कि बिजली का बिल माफ नहीं किया जाएगा। लोगों की भावनाएं तीव्र है, लोग हमसे मिल रहे हैं और बयान दे रहे हैं, इसलिए कैबिनेट में ऊर्जा विभाग के निर्णय पर चर्चा की जाएगी। अगर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो इस पर चर्चा करने की जरूरत है। 50% ने बिल का भुगतान किया है, इसलिए अब केवल शेष 50% का ही प्रश्न है। राज्य सरकार ने एसटी निगम की मदद की, इसी तरह जरूरत पड़ने पर बिजली बिल में बढ़ोतरी का खामियाजा जिन लोगों को उठाना पड़ता है उनकी भी मदद की जानी चाहिए। तो रामच्या पुढे हल लावायला पाहिजे तशा प्रवृत्तीचा माणूस आहे तो। नवी मांडली भूमिका या संदर्भात कॅबिनेट पुढे जाऊन चर्चा केली पाहिजे आणि लोकांच्या भावना ज्या आहेत त्या भावनेचा विचार केला गेला पाहिजे। आम्ही मंत्री महोदयांनी त्या परिस्थितीमध्ये ती जी भावना व्यक्त केली किंवा त्यांनी जो निर्णय घेतला असेल तर तो विषय कुठेतरी चर्चेला वरिष्ठ पातळीवर आला पाहिजे आणि यातून काही मार्ग चांगला काढता आला तर नक्की तो काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, या मताचा मी आहे।